पीपल, मैं सिद्धार्थ, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने जीप के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कंपास के ऊपर, वॉकर एंड रिव्यू वीडियो। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 2021 जीप कंपास का जो फेसलिफ्ट मॉडल है, इसके हर एक वेरिएंट का डिटेल वॉकर एंड रिव्यू वीडियो मैंने बनाया है। लेकिन सिर्फ एक मॉडल बचा था और उस मॉडल के रिलेटेड आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। तो ये मॉडल फाइनली आ चुका है नासिक में, तो इसका आज हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। और ये मॉडल है टॉप एंड मॉडल एस। तो इस एस मॉडल का आज हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। जानने की कोशिश करेंगे इस टॉप मॉडल के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स, और इसकी कीमत कितनी है, ऑन रोड कीमत आपको कितनी देनी पड़ेगी, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों ने पिछले सभी जीप के वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो इस वीडियो के ऊपर भी सपोर्ट दिखाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, ये है हमारे सामने 2021 जीप कंपास फेसलिफ्ट का एस वेरिएंट, और ये टॉप एंड मॉडल है। ग्रे कलर के साथ कंपनी ने इसको रिप्रेजेंट किया है, हालांकि इसके अंदर व्हाइट कलर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ये इसका कुछ फ्रंट का डिजाइन है, दिखने में बहुत बढ़िया लगती है, मतलब फ्रंट से भी, और इसका जो साइड प्रोफाइल है वो दिखने में बहुत बढ़िया है। और ये है मेरे हाथ में इसकी की, इस की के ऊपर आपको तीन बटन ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसके अलावा पीछे जीप की बैजिंग कंपनी ने प्रोवाइड की है। अगर मैं बटन की बात करूँ, यहाँ पर लॉक का बटन आपको मिलने वाला है। अगर अनलॉक को प्रेस करूँ मैं, तो आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर ग्लो हो चुका है और इसका जो DRL है वो भी ऑन हो चुका है। तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको एक बटन एक्स्ट्रा मिलने वाला है, जो कि मिलने वाला है बूट को ओपन करने के लिए। बूट को ओपन करने के लिए आपको सिंपली इसको दो बार प्रेस करना है, और आप पीछे देख सकते हैं इसका बूट ओपन हो चुका है। और ये फीचर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस बटन को डबल प्रेस करना है और इसका जो बूट रहेगा वो बंद हो जाएगा। तो ये बढ़िया फीचर आपको मिलने वाला है ऑल न्यू 2021 जीप कंपास के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर। ये है कुछ इसका कंप्लीटली फ्रंट डिज़ाइन। फ्रंट से दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है। ग्रे कलर ट्रीटमेंट के साथ कंपनी ने इसको रिप्रेजेंट किया है। हालांकि इसके अंदर एक व्हाइट कलर का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है मॉडल, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी कंजेस्टेड स्पेस थी, तो इसलिए मैंने उस मॉडल का रिव्यू वीडियो नहीं बनाया। तो सिंपली आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस ग्रे मॉडल का। अगर मैं इसके फ्रंट एलिमेंट्स की बात करूं, तो आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में 7-स्लॉट ग्रिल का ऑप्शन आपको मिलेगा, और इसके जो ग्रिल से कंपनी ने मैट ग्रे ट्रीटमेंट के साथ रिप्रेजेंट किए हैं। हालांकि इसके अलावा जो बाकी वेरिएंट्स हैं उनके अंदर सिल्वर कलर की ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। इस वेरिएंट के अंदर कंपनी ने 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन प्रोवाइड किया है, तो फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड की है। यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, और ये जो जीप का लोगो है कंपनी ने मैट ब्लैक कलर ट्रीटमेंट के साथ रिप्रेजेंट किया है। इसका कलर थोड़ा सा अलग है। बाकी वेरिएंट्स के अंदर आपको यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी, तो ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे इसके फ्रंट फेशिया में। वही अगर बाकी एलिमेंट्स की बात करो, तो नीचे आप देख सकते इसके जो रेडिएटर के ग्रिल से वो ब्लैक कलर ट्रीटमेंट के साथ रिप्रेजेंट किए हैं। और इसके जो फ्रंट के बम्पर्स है और इसके जो साइड क्लैडिंग्स है, फेंडर्स है, ये सभी चीजें आपको बॉडी कलर ट्रीटमेंट के साथ मिलने वाले हैं। और सेम चीज आपको 80th एनिवर्सरी एडिशन के अंदर भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारे डिफरेंसेस आप देख सकते हैं इसके फ्रंट फेशिया में और साइड प्रोफाइल में। वही अगर मैं इसके लाइट सेटअप की बात करूं, तो आप देख सकते हैं इसका लाइट सेटअप कुछ ऐसा है, और यहां पर आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर ग्लो हो चुका है। इंडिकेटर ग्लो होने के बाद यहां पर DRL का ऑप्शन, मतलब बायफंक्शनल DRL का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलने वाला है, जो कि DRL का भी काम करते हैं और इंडिकेटर का भी काम करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है। हेडलैम्प सेटअप की बात करूं, तो इसके अंदर आपको LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया है। इसके अंदर आपको LED फॉग लैम्प का ऑप्शन भी मिलेगा, और पर्सनली मुझे ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया लगी, और इसका जो डिजाइन है दिखने में बहुत बढ़िया लगता है। और यहाँ पर कंपनी ने ब्लैक ग्लॉस कलर के ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए। तो ये है कंप्लीटली इसका फ्रंट फेशिया। अगर मैं इसके साइड प्रोफाइल की बात करूं, तो ये है कुछ इसका साइड का प्रोफाइल। ड्यूल टोन कलर के साथ ये कार आती है। ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट के साथ इसका रूफ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके जो पिलर्स है वो पिलर्स भी आपको ब्लैक कलर ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिल जाएंगे। और इसके जो साइड में जो क्रोम फिनिशिंग मिलती है बाकी वेरिएंट्स के अंदर, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको मैट ग्रे फिनिशिंग की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी। हालांकि नॉर्मल जीप कंपास के अंदर यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग की ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है, लेकिन यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये चेंजेस आप देख सकते हैं इसके टॉप एंड मॉडल के अंदर। वही अगर मैं इसके व्हील्स की बात करूँ, तो कंपनी ने इसके जो अलॉय है वो ड्यूल टोन कलर के साथ प्रोवाइड किए हैं, और इसके अंदर आपको 16-इंच के डायमंड कट अलॉय मिलने वाला है, जिसका डिजाइन काफी हद तक यूनिक रखा है। ORVMs की बात करूँ, तो इसके जो ORVM से वो ब्लैक कलर ट्रीटमेंट के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन आपको मिलेगा, और यहाँ पर मैट ग्रे कलर की ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके डोर हैंडल्स कंपनी ने बॉडी कलर ट्रीटमेंट के साथ रिप्रेजेंट किए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपास की बैजिंग। वही अगर मैं रियर फेशिया की बात करूँ, तो ये है कुछ इसका रियर फेशिया। आप देख सकते हैं इसके रियर में आपको शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर भी कंपनी ने सनरूफ का ऑप्शन प्रोवाइड किया है, जो कि आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिलेगा, और इसका जो कंप्लीटली रूफ है वो ब्लैक कलर ट्रीटमेंट के साथ रिप्रेजेंट किया है। और इसके अंदर आपको रूफ
माउंटेड स्पॉयलर का ऑप्शन भी मिलने वाला है और ये दिखने में तो बहुत बढ़िया है रात के समय में, तो ये बहुत बढ़िया लगने वाले हैं। अगर आप इसको रात के समय में चलोगे तो डेफिनेटली इसका प्रेजेंस अलग लेवल पर जाने वाला है। और इसके जो टेल लैम्प्स है आप देख सकते हैं LED फॉर्मेट में इसके टेल लैम्प्स कंपनी ने रिप्रेजेंट किए और इसका डिजाइन भी काफी हद तक यूनिक रखा है। यहाँ पर कंपनी ने इंडिकेटर की प्लेसमेंट की है और इसके जो बंपर्स है वो कंपनी ने बॉडी कलर ट्रीटमेंट के साथ रिप्रेजेंट किए हैं, वो भी बहुत बढ़िया बात है। इसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर का ऑप्शन भी मिलेगा और ये यस की बैजिंग, हालांकि ये यस मॉडल है, टॉप एंड मॉडल है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए इस वेरियंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो यार जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन, क्योंकि इतने मस्त मस्त वीडियोज में आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, तो यार कर दो सपोर्ट। वही अगर बाकी एक्सटीरियर एलिमेंट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसके एक्सटीरियर में आपको वाइपर का ऑप्शन भी मिलेगा और यहाँ पर जीप की बैजिंग दी है कंपनी ने। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे का ऑप्शन भी मिलने वाला है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको मिलने वाला है, लेकिन एक खास फीचर इसके अंदर आपको मिलेगा वो है इसका टेलगेट। इसके टेलगेट को आप ओपन कर सकते हैं की के थ्रू या फिर अंदर एक बटन आपको मिलने वाला है, उस बटन की मदद से भी आप इसके टेलगेट को ओपन कर सकते हैं। मेरे हाथ में इसकी की है, मैं इस की को डबल प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं इसका जो टेलगेट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो ये फीचर बढ़िया आपको मिलने वाला है इसके टॉप एंड मॉडल के अंदर भी और ये भी बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। अगर मुझे टेलगेट को क्लोज करना है तो मुझे सिंपली इसको डबल प्रेस करना पड़ेगा, मैंने डबल प्रेस कर दिया है और आप देख सकते हैं इसका जो टेलगेट है वो क्लोज हो रहा है, धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। तो आपको इसको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़बरदस्त फीचर्स आपको मिलने वाला है ऑल न्यू 2021 जीप कंपास के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर। तो ये है कम्प्लीटली इसका रियर फीशिया, दिखने में तो बहुत बढ़िया है, पर्सनली मुझे इसका रियर फीशिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके डोर की बात करूँ तो ये है कम्प्लीटली इसका डोर। कंपनी ने इसका इंटीरियर कम्प्लीटली ब्लैक कलर ट्रीटमेंट के साथ रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड और इसके जो सीट्स है वो कम्प्लीटली आपको ब्लैक कलर ट्रीटमेंट के साथ मिलने वाला है। इसके इंटीरियर में काफ़ी हद तक कंपनी ने लेदर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आपको लेदर की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी। व्हाइट कलर के स्टिचेस यहाँ पर आपको मिलने वाले, सिल्वर कलर के ट्रीटमेंट यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड किए और इन चीज़ों की मदद से इसका इंटीरियर काफ़ी हद तक प्रीमियम दिखता है। और ये है इसका डोर, इसका जो डोर अनलॉक है ये कंपनी ने सिल्वर कलर ट्रीटमेंट के साथ रिप्रेजेंट किया है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसके अंदर आपको मेमोरी फंक्शन का ऑप्शन भी मिलने वाला है। तो ये बटन आपको मेमोरी फंक्शन के मिलने वाले हैं और यहाँ पर कंप्लीटली लेदर की ट्रीटमेंट यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड की है। नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी बॉटल रख सकते हैं। अल्पाइन के साउंड सिस्टम यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, उसको हम थोड़ी देर में टेस्ट करने वाले हैं। अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ, यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारे कंट्रोल्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि विंडो को अप डाउन करने के लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, डोर को लॉक और अनलॉक करने के लिए कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ORVM को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीटली इसका डोर। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इंटीरियर में जाता हूँ और इंटीरियर के बाकी एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। डैशबोर्ड की बात करो तो ये है कम्प्लीटली इसका डैशबोर्ड। इसके डैशबोर्ड के ऊपर कंपनी ने सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया है जिसके ऊपर आपको ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर कंपनी ने लेदर की रैपिंग प्रोवाइड की है, यहाँ पर स्टिचेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिल्वर कलर की ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है और इन सभी चीज़ों की मदद से इसके इंटीरियर में एक प्रीमियम टच आता है। और सेंटर कंसोल की बात करो तो 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बहुत सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको सबसे बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर आपको मिलने वाला है। जब आप इसको चलाओगे तो डेफिनेटली आप इसके मजे लेने वाले हो और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स मिलने वाले हैं, यहाँ पर भी आपको बटन्स मिलने वाले हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक एक फीचर्स को देखता हूँ। इसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का सिस्टम भी मिलने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका जो स्पीडोमीटर है और इसका जो RPM मीटर है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं, यहाँ पर आप मैसेज भी पढ़ सकते हैं। जब आप गाड़ी चलाओगे तो मैसेज पढ़ने के लिए टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट मैसेज आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक का ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके टोटल किलोमीटर्स वगैरह बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो बहुत सारे फीचर्स आपको इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर मिलने वाले हैं और उन सभी फीचर्स को आप सिंपली इन बटन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। ये है कंप्लीटली इसका स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंपनी ने लेदर की रैपिंग की है जिसकी मदद से आप गाड़ी आराम से चला सकोगे। सेंटर में जीप के बैजिंग दिखने में बहुत बढ़िया लगती है और ये बैजिंग थोड़ी सी चेंज की है कंपनी ने एज अ कम्पेयर टू ओल्ड जनरेशन मॉडल। वही अगर टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात करो तो ये है इसका 10.1 इंच टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको USB की कोई भी जरूरत नहीं लगेगी, आपको सिर्फ वाईफाई को टर्न ऑन करना है और आप अपने स्मार्टफोन को इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर इसके अंदर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी मिलने वाले हैं जिसके साथ बहुत सारे फीचर्स को आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू कंट्रोल कर सकेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स दिए हैं, म्यूजिक सुनने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स मिलेगा, AC को कंट्रोल्स करने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स मिलने वाला है, आप सिंपली AC को कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये भी बढ़िया फीचर इसके अंदर आपको मिलने वाला है। रियर के एसी को भी आप फ्रंट से ही कंट्रोल कर सकोगे, तो ये भी ज़बरदस्त फीचर इसके अंदर आपको मिलने वाला है। होम का बटन यहाँ पर आपको मिलने वाला है जिसके तहत आप यहाँ पर म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉल वगैरह आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स हैं आपको और आपको मिलने वाले हैं। व्हीकल की सारी सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है, डिस्प्ले सेटिंग को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, सेफ्टी के सारे फीचर्स यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं, क्लॉक एंड डेट, मिरर्स एंड वाइपर्स को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, लाइट्स को भी यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। इंटीरियर में आपको एम्बियंट लाइटिंग का ऑप्शन भी मिलने वाला है जो कि बहुत बढ़िया बात है। हेडलाइट की सेंसिटिविटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो लिटरली बहुत सारे फीचर्स को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेक सिस्टम यहाँ पर आपको मिलने वाला है, डोर लॉक अनलॉक यहाँ पर आप सब चीज़ें देख सकते हैं, वार्निंग वगैरह यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारे फीचर का ऑप्शन आपको इसके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर मिलने वाला है। अगर इसके बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पियानो ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट कंपनी ने प्रोवाइड किए और यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स प्रोवाइड किए। हैजर्ड का बटन यहाँ पर आपको मिलने वाला है, पैसेंजर एयरबैग का ऑप्शन यहाँ पर ऑन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दो एसी वेंट्स मिलने वाले हैं, हालांकि ये एसी वेंट थोड़े से हाइड किए हैं कंपनी ने, मतलब इनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ से आप विंड ब्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको म्यूजिक को कम ज़्यादा करने के लिए एक छोटा सा नॉब मिलने वाला है, यहाँ से आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एसी के कंट्रोल से यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको छोटा सा नॉब मिलने वाला है, इस नॉब की मदद से आप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के बहुत सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को टच करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो ये फीचर भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। स्क्रीन को आप सिंपली यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने प्रेस किया और इसका स्क्रीन ऑफ हो चुका है, फिर से इसको प्रेस करता हूँ इसका स्क्रीन ऑन हो चुका है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलेगा क्योंकि ये टॉप एंड मॉडल है, 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन भी मिलने वाला है। अब मैं आपको सिंपली 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन दिखा देता हूँ, तो ये है इसका 360 डिग्री कैमरे का व्यू, दिखने में बहुत बढ़िया है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और ये है इसका रियर का व्यू और ये है इसका फ्रंट एंड 360 डिग्री व्यू और ये है इसका रियर का व्यू, मतलब बहुत बढ़िया है, क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है। जूम का ऑप्शन तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, कैमरे की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो इसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलने वाला है। अगर आपका स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता तो यूएसबी के थ्रू आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो या फिर यहाँ पर यूएसबी सी टाइप का पोर्ट आपको मिलने वाला है। और ये ऑटोमेटिक वेरियंट है तो ऑटोमेटिक का गियर नॉब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीटली ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट आपको मिलने वाली है। इसके अलावा इस कार के अंदर सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन भी कंपनी ने प्रोवाइड किया है जो कि बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर सिल्वर कलर की ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए। इसके अलावा यहाँ पर आपको दो ग्लव बॉक्स के ऑप्शंस मिलने वाले हैं जिसके अंदर मैंने की रखी है, यहाँ पर आप अपने कप होल्डर्स रख सकते हैं। अपोजिटी की बात करो तो लेदर की अपोजिटी इसके अंदर आपको मिलने वाली है जिसको आप ओपन कर सकते हैं और अंदर आप दो तीन नहीं बल्कि चार पांच स्मार्टफोन तो आराम से आप अंदर रख सकोगे, अंदर अच्छी खासी स्पेस आपको मिलने वाली है और लेदर की अपोजिटी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। और सबसे बढ़िया फीचर इसके अंदर आपको मिलने वाला है वेंटिलेटेड फ्रंट सीट। वही अगर पैसेंजर डोर की बात करो तो पैसेंजर का डोर कुछ ऐसे आपको मिलने वाला है जिसके ऊपर कंप्लीटली ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट कंपनी ने प्रोवाइड की है। वही इस कार के इंटीरियर में आपको मिलने वाला है पैनोरामिक सनरूफ और इसके पैनोरामिक सनरूफ का व्यू बहुत बढ़िया है। जब आप इसके रियर सीट पर बैठोगे तो इसका जो व्यू रहने वाला है वो बहुत बढ़िया तरीके से व्यू आता है। तो मैं क्या करता हूं, सिंपली सनरूफ को ओपन करता हूं यहां पर। ओके, यहां पर सनरूफ ओपन हो चुका है और गाड़ी चलाते वक्त आप सनरूफ का भी मज़ा ले सकते हो, तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर इसके अंदर मिलने वाला है और पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन इसके अंदर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। और यहाँ पर एक बटन आपको मिलने वाला है, इस बटन की मदद से आप बूट को ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बूट ओपन, यस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बूट ओपन हो चुका है और इसका बूट मैं सिंपली क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो इसका बूट अब बंद हो रहा है। तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर इसके अंदर आपको मिलने वाला है इसके इंटरव्यू में, तो मतलब लिटरली काफ़ी हद तक प्रीमियम फीचर्स कंपनी ने इसके अंदर प्रोवाइड किए हैं जो कि बहुत बढ़िया बात है। और अगर स्पेसिंग की बात करो तो इसके अंदर आपको अच्छी खासी स्पेसिंग मिलने वाली है। और ये तो हुआ कंप्लीटली इसका फ्रंट का इंटीरियर, अब मैं क्या करता हूँ सिंपली रियर सीट पर जाता हूँ और रियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है उसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। इसका जो रियर का डोर है वो कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है, यहाँ पर आपको स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा, नीचे भी स्पीकर का ऑप्शन आपको मिलने वाला है और ये कंप्लीटली ब्लैक कलर ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलने वाला है। और ये कुछ दिखने में पीछे से ऐसे दिखती है, मैं सिंपली अंदर जाता हूँ और अंदर बैठकर आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर कंपनी ने एसी वेंट प्रोवाइड किया है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी, कंट्रोल्स भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट आपको मिलने वाला है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट पीछे आपको मिलने वाला है। वही अगर सीटिंग की बात को तो आप इसके सीट्स देख सकते हैं, कंप्लीटली ब्लैक कलर ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा रियर में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन मिलने वाला है जो कि बहुत बढ़िया बात है। और मैंने आपको बताया था कि पीछे से मैं आपको पैनोरामिक सनरूफ का व्यू दिखाऊंगा, तो ये है कुछ इस तरह से इसका
व्यू, और यहाँ से जब आप बैठोगे पीछे तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, और जब आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आप पूरा जर्नी एंजॉय करोगे जब आप इसके रियर सीट पे बैठोगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी ने इसके इंटीरियर को रिप्रेजेंट किया है। पर्सनली मुझे इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस ये था एस मॉडल 2021 जीप कंपास का जो फेसलिफ्ट मॉडल है उसका टॉप एंड मॉडल है, और इसकी कीमत शुरू होती है लाइक 24.3 लाख रुपीज़ से एक शोरूम प्राइस है। हर एक मॉडल की कीमत मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस। हालांकि ऑन रोड प्राइस थोड़ी सी अलग अलग रह सकती है, आपके सिटी के हिसाब से थोड़ी सी वैरी कर सकती है ऑन रोड प्राइस, लेकिन आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि इसी प्राइस रेंज के बीच में आपको पे करने पड़ेंगे ऑन रोड इस कार को लेने के लिए। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि 2021 जीप कंपास के इस मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, और मतलब कंफर्ट के लिए क्या क्या फीचर्स कंपनी ने प्रोवाइड किए। ऑलरेडी सारी चीज़ों को कवर किया है, फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।